कलेक्टर कार्यालय में टीएल बैठक का आयोजन हुआ। कलेक्टर मनीषा सह ने विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए सीएम हेल्पलाइन के तहत लंबित प्रकरणों को संतोषजनक तरीके से जल्द निपटाने के निर्देश भी दिए। तो वहीं बैठक में 26 जनवरी पर मनाए जाने वाले स्वाधीनता दिवस की तैयारियों को लेकर जायजा लेते हुए विभिन्न विभागों और अधिकारियों को दायित्व भी सौंपे। इंदौर कलेक्टर के लगातार निर्देशों के बाद भी सीएम हेल्पलाइन में लंबित प्रकरणों के निराकरण की दिशा में अधिकारियों द्वारा अभियान के रूप में काम नहीं किया जा रहा और यही कारण है कि इंदौर जिले में लंबित प्रकरणों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। सोमवार को हुई समय सीमा बैठक में इंदौर कलेक्टर मनीषा सिंह सभी विभागों के प्रमुखों को सख्त लहजे में सीएम हेल्पलाइन के 100 दिन से अधिक लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने के निर्देश दे चुके हैं। बैठक में 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर भी समीक्षा की गई। कलेक्टर सह ने संबंधित विभागों के प्रमुखों को कार्यक्रम को लेकर दायित्व भी सौंपे। बैठक में डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के गैर हाजिर होने पर कलेक्टर ने उन्हें शोकास नोटिस भी थमाया। देखिए, आज कलेक्टर साहब द्वारा एक समय अवधि जो टाइम लिमिट की मीटिंग है वो ली गई थी और उसमें मुख्य रूप से जो हमारे सीएम हेल्पलाइन के लंबित शिकायतें और आवेदन होते हैं उन पर साहब समीक्षा करते हैं। कलेक्टर सर उन्होंने समीक्षा की और जिन विभागों की स्थिति ज़्यादा खराब थी उन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वो सुनिश्चित करें कि समय सीमा में जो आवेदन लंबे थे उनका निराकरण हो जाए और संतुष्टि के साथ निराकरण हो, ये निर्देश कलेक्टर महोदय द्वारा दिए गए। इसके अलावा 26 जनवरी जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है उसके लिए भी बैठक ली गई थी और सभी विभाग के अधिकारियों को ये निर्देशित किया गया कि जो उनको दायित्व दिए गए हैं 26 जनवरी के कार्यक्रम के लिए उनका निर्वहन करें। इसमें डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड आज अनुपस्थित थे तो उनको कार्यमता और सूचना पत्र भी जारी करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान राजस्व प्रकरणों के निपटान को लेकर भी कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News TV, इंदौर।